हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। वेल दोस्तों, नेक्स्ट नाइन न्यूज में आज आप सभी के लिए अपना ये बेहद खास प्रोग्राम यानी कि फैंस डिमांड में लेकर हाजिर हूं, जहां आज फैंस डिमांड में आपकी ही डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ अनुष्का और विराट से जुड़ी कुछ खबरें। अनुष्का शर्मा का बर्थडे जो कि 1 मई को होता है, यानी कि अनुष्का शर्मा का आज बर्थडे है, जहां अनुष्का लगातार ही खबरों में रहती हैं अपने कुछ पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी खबरों को लेकर तो हुई, अनुष्का चर्चाओं में है अपने जन्मदिन को लेकर भी। आज आप देखेंगे कैसे ट्रॉलर्स ने तो हदे पार की ही हुई है, और इसके अलावा ट्रॉलर्स कैसे ट्रॉल कर रहे हैं अनुष्का शर्मा को, और आप ये भी देखेंगे कि कैसे विराट कोहली ने एक बार वो फूट फूट कर रोए थे अनुष्का के सामने। तो वहीं जहां अनुष्का को बेइज्जत किया जा रहा है, ट्रॉल किया जा रहा है, तो वहीं इसके अलावा विराट से रोने वाली खबर क्या है, यह आप देखेंगे हमारी रिपोर्ट के जरिए। साथ ही आप सभी को ये बता दें कि अनुष्का और विराट की जहां तक शादी की बात की जाती है, तो अनुष्का और विराट गुपचुप ही शादी के बंधन में बंधे थे, जहां इनकी शादी को लगभग 4 से 5 महीने बीत चुके हैं। तो वहीं दिसंबर महीने में दोनों ने शादी रचाई थी, वो भी इटली में गुपचुप हुई थी ये शादी। इसके अलावा आप सभी को आज हम दिखाते हैं अनुष्का ही विराट यानी कि विरुष्का से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जो कि लगातार ही वायरल हो रही है। डाली नजर हमारी इन खास रिपोर्ट्स पर। बता दें आप सभी को कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी पर यूं तो लोगों का प्यार हमेशा से ही बरसता रहा है, लेकिन कभी किसी मैच में यदि क्रिकेटर को हार का सामना करना पड़ जाए तो लोगों का गुस्सा एक्ट्रेस पर फूट पड़ता है, और कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है। दरअसल रविवार को आईपीएल में आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने ग्राउंड में 6 विकेट से हरा दिया था। विराट की टीम इस भार को लेकर एक बार फिर ट्विटर पर ट्रॉलर्स की सुई अनुष्का शर्मा की तरफ पूरे तरीके से मुड़ गई, जहां एक ट्विटर पर यूजर ने तो ये तक लिख दिया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तुमको मायके छोड़कर आना ही होगा, नहीं तो तुम आईपीएल से बाहर हो जाने हो। बता दें आपको कि ट्रॉलर्स ने इस हार का जिम्मेदार फिर से अनुष्का को ही ठहरा दिया, जो कि रविवार को हुए मैच में विराट को चीयर करने के लिए वहां पर पहुंची थी। हार के बाद लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स और तस्वीरें शेयर करने भी शुरू कर दिए, और एक ट्विटर यूजर ने लिखा, किसी मैच के लिए रेस्ट भी ले लिया करो अनुष्का शर्मा। साथ ही एक यूजर ने तो अनुष्का की फोटोशॉप की गई तस्वीर शेयर की, जिसमें वो काफी उम्र दराज नजर आ रही थी, और इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत का इंतजार करती अनुष्का 2035। अनुष्का शर्मा का आज यानी कि 1 मई को जन्मदिन है। साथ ही अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। जी हाँ, गौर हो कि बेंगलुरु में पली बड़ी अनुष्का ने आर्मी स्कूल और माउंट कार्मेल स्कूल से पढ़ाई की, और उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो इस शादी के बाद ये अनुष्का का पहला बर्थडे है। आपको बता दें, पिछले साल अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से शादी की थी। जी हाँ, 11 दिसंबर को दोनों गुपचुप शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। साथ ही दोनों ने पहले तो अपने रिलेशन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिर अचानक शादी करके सबको चौंका दिया था। और आज अनुष्का के बर्थडे की खास मौके पर दोनों की लव स्टोरी का एक खास और साथ ही साथ दिलचस्प किस्सा आज हम आपको बताने वाले हैं। एक बार एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए विराट ने अनुष्का को लेकर अपने मन की बात रखी थी। विराट ने उसे एक मोमेंट के बारे में बताया था जब वो अनुष्का के सामने रो पड़े थे। दरअसल विराट कोहली ने बताया कि जब उन्हें टीम इंडिया का टेस्ट कप्तान बनने की खबर मिली थी, और तब अनुष्का शर्मा उन्हीं के साथ थी, और वो अनुष्का के सामने फूट फूट कर रोने लग गए थे।
बता दें आप सभी को विराट अनुष्का को अपना लकी चार्म मानते हैं। विराट ने कहा था कि उन्हें याद है कि वो उस समय मोहाली में थे जहां टेस्ट सीरीज चल रही थी। अनुष्का तब उनके साथ ही थी जब मेलबर्न ने उन्हें टेस्ट कप्तान बनाया गया और तब भी वो उन्हीं के साथ थी, यानी कि अनुष्का विराट के ही साथ थी। क्रिकेट मैदान पर विराट कोहली का प्रदर्शन उनकी पत्नी अनुष्का से इस तरह जुड़ गया कि उन्हें हर बात पर ट्रॉल किया जाता है। जी हां, बुधवार को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में विराट की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की हार के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला है। दरअसल आईपीएल 2018 का 24वां मुकाबला टीम इंडिया के दो सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी और विराट की कप्तानी वाली टीम के बीच खेला जा रहा था और इस मुकाबले ने रोमांच की सारी हदों को तोड़ दिया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर कुल 205 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को ही पार करने की मुश्किल चुनौती थी और फिर क्या, और मैच जब मुश्किल मोड़ पर जा पहुंचा था तब पारी के 16वें ओवर में ही कैमरे ने अनुष्का शर्मा पर फोकस किया। जी हां, बालकनी में खड़ी अनुष्का अपने हबीब विराट कोहली का मनोबल बढ़ाती नजर आई। गौर हो कि आरसीबी की हार और विराट के गैर जिम्मेदाराना खेल के लिए अब हमेशा की तरह एक बार फिर से अनुष्का को ही ट्रॉल किया जाने लगा है। साथ ही अनुष्का को आरसीबी के मैच देखने स्टेडियम आने से मना कर दिया एक यूजर ने, तो वहीं अन्य यूजर ने उनको पनौती तक बता दिया। वेल, हाल ही में अनुष्का शर्मा स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची थी और यहां पर अनुष्का ने शादी की बधाइयां लेते हुए अपने जन्मदिन पर क्या होगा इस बात के बारे में बताया। क्या कहा अनुष्का ने, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो हम मीडिया वालों की तरफ से आपको शादी की ढेरों सारी बधाइयां। थैंक यू। ओके, एंड नानी का किरदार देखा हमने आपको, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट किरदार में आती है, कभी परी में आकर आप हमें डराती हैं एंड देन नानी के किरदार में कैसा रहा एक्सपीरियंस नानी का? एक्चुअली पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, क्योंकि थ्रू देम जब हम ये एड बना रहे थे मुझे समझ में आ गया कि मैं बूढ़ी होके कैसे दिखूँगी एंड I'm happy. It's that question. But thank you for the question. And कुछ ही दिन बाकी रह गए आपके बर्थडे को भी, तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो हम ऐसा माने कि शादी के बाद मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है बर्थडे का आप? I think we'll have to give somebody else a chance also. सारे क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो किसी को चांस नहीं मिलेगा। सर सबको मिलेगा लास्ट। आप ही ट्रिपल रोल की तरह तीन तीन सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी और को भी चांस दीजिए। चलिए, अगर कुछ बता सके आप। क्या बताना है कि बर्थडे तो कोई ऐसा प्लान नहीं है और वैसे भी अभी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, सो लेट्स कीप द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। थैंक यू। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आज अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं और अपने जन्मदिन के खास मौके पर अनुष्का ने एक नेक काम करने की अनाउंसमेंट की है। जी हां, आपको बता दें अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक लेटर शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। वो जानवरों के लिए पालने पोसने का काम करेंगी। इसके लिए वो मुंबई के कुछ दूर पर एक शेल्टर होम का भी बनाने का इंतजाम करेंगी। अनुष्का ने लेटर में बताया कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके साथ ही अनुष्का ने जानवरों से जुड़ी भावुक कर देने वाली बात लिखी है। बता दें अनुष्का ने इस पोस्ट में, अनुष्का कहती हैं, मैं मुंबई में कुछ दूरी जानवरों के लिए एक शेल्टर होम का निर्माण कर रही हूं। ऐसे जानवरों के लिए घर जिन्हें छोड़ दिया जाता है या फिर कहीं पर फंसे हुए होते हैं, एक ऐसा घर जहां उन्हें प्यार मिलेगा, केयर होगी और वो सेफ भी होंगे। ये मैं पिछले कई सालों से करना चाहती थी लेकिन आज मेरा सपना सच हो रहा है। मुझे ऐसा घर बनाने के लिए आपके टाइम, सपोर्ट और एडवाइस की जरूरत है। वेल दोस्तों, देखा होगा आप सभी ने कैसे अनुष्का और विराट से जुड़ी तमाम खबरें बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों वायरल हो रही हैं। जहां आज यानी कि 1 मई को अनुष्का शर्मा का बर्थडे होता है, तो वहीं शादी के बाद ये अनुष्का शर्मा का पहला बर्थडे है। उसके अलावा आप सभी ने नजर डाली उन तमाम रिपोर्ट्स पर जहाँ अनुष्का शर्मा को ट्रॉल किया गया, विराट कोहली को ट्रॉल किया गया और इसके अलावा विराट कोहली कैसे एक बार अनुष्का के सामने रोए हैं, आप सभी ने ये भी देखा होगा। वेल दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम यानी कि
फैंस डिमांड में जहां आपके ही डिमांड पर आज हमने बात की अनुष्का विराट यानी कि विरुष्का के बारे में, तो वहीं बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट साइन न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।